मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आपको हमारा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। और आज मैंने ये लिया है लुक, आउटफिट ऑफ अ डे ये है मेरी। सो चलिए जल्दी चलते हैं, लेट हो रहा है बहुत। वैसे भी बहुत दूर जाना है हमें, बहुत टाइम लगता है वहाँ जाने में। तो चलिए, हो गए तुम लोग तैयार? चले बताना मत मनु हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मनु मत पूछो, आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ चले, चलो लक्ष्मी माता मंदिर में आई हूँ। कचा लू धूप है क्या? सब बिना ले सुनिए, पता सुना धूप वाले दे दो अभी दे। हाँ धूप दे दो, धूप वाले दे। यहाँ मैंने ले लिया है प्रसाद और हम जा रहे हैं अंदर। ये देखे कितना पतिदेव और मन्ना का है, ये दोनों यहाँ बैठ गए। बैठ गए तुम दोनों? गए यहाँ पे अभी करने गई है पूजा माँ लक्ष्मी की, आप देख सकते हैं। जय श्री राम, जय। और अब यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे महात्मा जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे ये परिक्रमा करते हुए अभी एक मिनट रुको गाइस, यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं। आप कैमरे की नज़र में हैं, ये देखिए कितनी मस्त लग रही है। हमारी लक्ष्मी मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है एकदम। जय नंदी माता होती है गाइस, ये भी ना पागल है। इधर वाले में बोलते हैं ये गाइस, यहाँ पे मन्नत मांग रही है। मन्नत तो पहले से ही है तेरे पास गाइस, मन्नत मांगी हमें, ऐसी मन्नत मिली है।
माता रानी को मत देखते हुए पूरा लेट गई हमारी लड़की। वापस हम आ गए लक्ष्मी माता के पास। उसको बताना ही चाहिए थे। चलो ये टोपी पहनी ना भी उससे हो गया। हाँ लक्ष्मी माता मंदिर मतलब कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत सुंदर मंदिर है और आज यहाँ भीड़ नहीं है। हम जब पहली बार आए थे तब यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी। तब हम शिवरात्रि पे आए थे ना? शिवरात्रि पे नहीं, नए साल पे। हाँ न्यू ईयर पे। हाँ आज हम पूरे एक साल बाद आने वाले आए हैं। यह जन्माष्टमी में आए थे? नहीं यार, नया साल था जन्माष्टमी। जब हम माँ शीतला देवी मंदिर जाते नए साल पता आए थे नए साल में और आज हो गया हमें पूरा एक साल। हम एक साल बाद आए और इसको देखो मंदिर। अब तुम कैसा लगा? कैसा लगा बता दो आपको? अच्छा लगा। गर्म हो गया यार, बहुत गर्म हो गया। दगी याद आ रही है। अब बताइए मनु हम कहाँ जा रहे हैं? बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? लाल कुआ किसके वहाँ? दिव्यांग दद्दा के वहाँ। कौन रहता है लाल कुआ में? प्रसाद खाना है तो प्रसाद खाना है। अभी खाएंगे, अभी खाएंगे। हाँ चलो फिर, चलो गाइस चलते हैं, लेट हो रहा है। किसी मिलते पड़ गए यहाँ नंदी माता को उन्होंने सवारी बना दी है। मन्ना नहीं आप नहीं, आपने गंदी बात होती हो, भगवान जी हो। चलो वहाँ पे चलो मैंने वहाँ पे बनाएंगे। बहुत है बाबू ये घोड़ा है, ये भगवान जी उठ जाओ नहीं बैठे इसमें। नहीं गंदी बात, गंदी बात, भगवान जी है वो, पिट्टी करेंगे अभी। तुम लोग ये नंदी माता के ऊपर बैठ रही है तो यहाँ पापा ने अपने आप को ही नंदी भगवान जी बना दिया है। नंदी भगवान जी नहीं बनाया, नंदी गाय इसकी सवारी बना दी। मनु मजा आ गया। चलो आओ, चलो बेटा चलते हैं। हम चल रहे वापस। बंद हो गया ये अभी पहुंचे था और अभी थोड़ी देर हमने दर्शन कर बैठी, यहाँ दरवाजे बंद हो गए हैं। चलो और यहाँ देखिए गार्डन में मन्नू को कितनी मस्ती आ रही है और यहाँ बच्चे भी खेल रहे थे तो यहाँ मन्नू भी घूम घूम के खेल रहे। फिर हम चल रहे हैं घर को, दीदी के घर का एंट्रे हम आ गए हैं। ये पहुँच गए, मिल गए हैं। चलो आप हमें लेने आ रहे थे? नहीं चलो सब्जी लेने जा रही थी। जाओ सब्जी लेने, सब्जी लेना मेरे बच्ची, मैं सब्जी लेके आती हूं। क्या खाएगी मन्नू? मैं दाल चढ़ा रही थी यहाँ से, हम अंडा लेंगे। अब वो है टॉप पे दीदी का। इनके घर का भगवान रंग कर दिया ना पूरे उदान। वो कहते भाग रहे थे, भाग रहे। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। दिव्यांश देखिए मन्नू को देखकर कितना खुश हो रहा है। मम्मी पापा यहाँ पहले पहुँच गए थे हमसे, फिर हम मंदिर में रुक गए थे इसलिए हम लेट हो गए थे। तो यहाँ देखिए ये सबको प्रणाम कर रहा है और मन्नू ने भी सबको प्रणाम किया और आते ही इसकी मस्ती यहाँ शुरू हो गई है दोनों की। पापा आया, क्या खा रहा हो? कैसा हो रहा है बता? छील दिया मैंने, छिकल छील दिया। सर बता तो मीठा नहीं। तो यहाँ ये दोनों इतनी शैतानी कर रहे थे, बैठ ही नहीं रहे थे इनको बिठाने के लिए। फिर मैंने इनको टॉयज दे दिए थे और या फिर मैं इनको पढ़ा रही थी, ऐसे इनका मन लगा रही थी तभी ये बैठ रहे थे, वरना तो शैतानी। कलर्स एक्टिविटी और ये दोनों यहाँ मैं इनको कलर्स एक्टिविटी करा रही हूँ। माना ये पर्पल कलर लगाओ, ये कौन सा कलर है बोलो? पर्पल, पर्पल कहाँ लगेगा? लगाओ, शाबाश। और ये कौन सा कलर है दिव्यांश? व्हाइट बोलो, व्हाइट कहाँ लगेगा? मैस वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। सबसे पहले कौन? हाँ ठीक है, दिव्यांश बहुत खुश है इसको करने के लिए। दिव्यांश ये क्या है? एलिफेंट, एलिफेंट मिलाओ किससे मिलेगा? पहले मनु दिव्यांश की बारी, एलिफेंट, एलिफेंट मिलाओ, उंगली से बताओ किसमें लगेगा? शाबाश लगाओ, फिर मनु लगाएगी। आप लगाओ, लगाओ शाबाश, सही से लगाओ, शाबाश। अब ये है लॉयन, मनु लॉयन बताओ पहले उंगली से बताओ कहाँ लगेगा? हाँ मनु बताएगी। यहाँ पे इस पे चिपकाना है, इस पे चिपकाओ, इस पे, ये यहाँ पे जैबरा, दिव्यांश लगाएगा जैबरा, जैबरा लगाओ कहाँ लगेगा? हाँ दोनों ने साफ बताया। तो मम्मी यहाँ मुझे छठ मैया का सिंदूर लगा रही है। दीदी एक बार छठ मैया के टाइम तब वो आंटी लगाने आई थी मुझे,
नीलू आई थी हाँ, उसके बाद एक बार ऐसा हम लोग हाँ, तब भी छठ मैया का ही। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बुक है, ये आप अपने बच्चों के लिए परचेस कर सकते हैं। ये दीदी ने दिव्यांश के लिए परचेस करी है उसको पढ़ाने के लिए, तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ऐसी बुक्स परचेस कर सकते हैं। ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और भी अलग वेबसाइटों में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है आपके बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए। ऐसे कौन सा डांस होता है? सिटी बजाबर। तो यहाँ पतिदेव जैसे ही घर के अंदर आए, दोनों ने मिलके इनको घोड़ा बना दिया और दोनों इनकी मिलके इनकी सवारी करने लगे। मस्ती तो इन दोनों की आज खत्म ही नहीं हो रही थी, इतनी। तो यहाँ जिया जी आगे ड्यूटी से और देखिए इनको बब्बल खिलाने लगे, बैठते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। ये मन्नू का फेवरेट है बब्बल पता नहीं करने। तो यहाँ हो गया है गाइस लंच टाइम। तो दीदी ने यहाँ सब कुछ बनाया था, दाल चावल सब्जी हरी चटनी हरा नमक सलाद। तो यहाँ हम सब नीचे बैठ के खा रहे हैं और नीचे बैठ कर खाने में अलग ही मजा है। अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर से अपने घर हाल में। तो चलो मिलते हैं आपसे हल्द्वानी में। तुम तैयार हो जाओ जल्दी, हम तो तैयार हो जल्दी जल्दी आओ जल्दी। निकल गए हैं दीदी के घर से और अभी बज रहे हैं 5:30 और जाते जाते हमें बज जाएंगे 6:30 और फिर होने लगेगा अंधेरा, इसलिए हम उजाले उजाले में निकल गए हैं ताकि बहुत से बहुत ज़्यादा निकलाना हो। इनमें अभी हम पहुंच गए हल्द्वानी और देखिए यहाँ पे अभी गोलगप्पे खाने गए थे। ये कैसा लग रहा है अभी? मज़ा आ रहा है। रात ये मंगल पड़ाव चढ़ाया। अभी अभी पहुँचे हैं और यहाँ बज रहे 6:15। तो थक बहुत गए, मनु ने तो पूरी गाड़ी में सोते सोते निकाली है और अभी अब उठ गया है मम्मा को परेशान करने के लिए, को आ रही अभी नींद। तो चलिए गाइस व्लॉग को यहीं करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।